हेलो क्रिकेटर्स, वेलकम बैक टू अंकुर्स क्रिकेट टीवी। यार वीडियो शुरू करने से मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, और मुझे पता बहुत सारे लोग कमेंट करके भी बताएंगे कि सर इतने दिनों से कोई गोप्रो की या पीओवी नहीं आ रहा। बट उसका रीज़न एक ही है, उसका रीज़न ये है कि बैंगलोर में काफ़ी टाइम से बारिश हो रहा है, ऑलमोस्ट 3 वीक्स से बारिश हो रहा है, और उसके कारण क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहे थे और सर्टेन भी नहीं थे कि भाई मैचेस होंगे भी कि नहीं। बट आज का मौसम मेरे को बढ़िया लग रहा है, मैच हमारा ऑलरेडी स्केड्यूल हुआ है तो आज हम टर्फ विकेट पे खेलने वाले हैं। अभी देखो सन भी निकला हुआ है, तो अगर मैं दिखा पाऊँ तो आप लोग बताओ आज का मौसम कैसा है, क्या आज मैच हो पाएगा कि नहीं। वेल आई होप कि मैच हो पाए, क्योंकि बैंगलोर का वेदर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये मैं आपको पहले से बता दूं कि ऐसा हो चुका है कि लास्ट टाइम पे भी सन निकला हुआ था और हमको लगा ऐसा कि मैच हो जाएगा, बट सीरियसली मैच नहीं हो पाया, कैंसिल करना पड़ा, बीच मैच में ही बारिश हो गया। बट आज आई होप कि बारिश ना हो और मैं आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट लेके आऊँ, तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ। बस अभी मैं निकलने वाला ग्राउंड पे, हमारा मैच 10 बजे शुरू होने वाला है और आज एक क्वार्टर फाइनल मैच है। अगर आज हम क्वार्टर फाइनल मैच जीतते हैं तो आज ही हमारा एक सेमीफाइनल मैच भी होगा, तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ। ओके गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं तो टर्फ देख रहे हैं और अपन भी शॉक है कि इस पे कैसे खेला जाएगा, ये तो पूरा ही गीला, बाप रे। अबे इस पे कौन खेलेगा भाई, अबे यार ये तो पूरा ही अंदर जा रहा है उंगली इसमें। हाँ तो पानी जमा हुआ इधर, तो मैच नहीं हो पाएगा आज, लग नहीं रहा है ये सूखने वाला। 10 बजे का तो मैच था, 10 बजे मैच है, 9:30 हो गया है, तो पूरा का पूरा ही गीला है। ठीक है ले लूँगा। ओके पावर अप। लेग स्टिक सर, वेट
No, no, no. Yeah, yeah, yeah. अरे बाप रे. No, no. कैमरा में कैप्चर होता दोनों का एक्सीडेंट आज. थैंक यू आप ही सबके नहीं तो रिटायरमेंट के एज हो गया. ओए यार. ए यार ये स्लो हो गया. कौन सा स्पिन? ऑफ ऑफ. ज्यादा हो गया भाई. प्रवीण वेट कर रहे हैं. दिस इज टू मच. अरे आजा एक और खेल लेते चल. बहुत तेज हो गया अभी. इसमें क्या है यार, मैं मैच ही रुक गया. ये टूर्नामेंट के सारे मैच बारिश के कारण ही रुकते हैं. ओके गाइज, वैसे तो इस व्लॉग की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई थी. बहुत मन से मैंने व्लॉग शुरू किया था. सोचा था कि आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, बट किसको क्या पता था कि मैच बारिश के कारण दोबारा से कैंसिल हो जाएगा. और एक फैक्ट बता देता हूँ कि ये जो क्वार्टर फाइनल मैच है ये ऑलरेडी दो बार पहले स्केड्यूल हो चुका था. और दोनों फर्स्ट टाइम जब स्केड्यूल हुआ था तो ओपोनेंट ने पहले 6 ओवर खेले थे और उसके बाद बारिश पड़ गया था. तो ग्राउंड तो स्विमिंग पूल हो गया था उसके बाद, जिससे फिर अपन को उस दिन भी मैच कैंसिल करना पड़ा. उसके बाद हमने फिर कल था सैटरडे, तो कल भी क्या हुआ कि जैसे हम टर्फ ग्राउंड पे पहुँचे तो फ्राइडे नाइट को बारिश पड़ा था, जिससे उन लोगों ने टर्फ रेडी नहीं किया था. तो आपने वीडियो में देखा होगा कि टर्फ की कंडीशन कैसे थी. तो हमने क्या सोचा था, एक अल्टरनेटिव सोचा था कि चलो अगर टर्फ नहीं है तो मैट पे जाके क्वार्टर फाइनल किसी भी हालत में ख़त्म कर देते हैं एक मैच. तो उसके बाद कैसे तैसे हमको एक ग्राउंड मिला, एक मैट ग्राउंड मिला, जहाँ पे सोचा तो ये था कि वहाँ मैच कंप्लीट हो जाएगा. और इतनी कड़ाके वाली धूप थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मैच कैंसिल हो सकता है. क्या हुआ कि फर्स्ट इनिंग्स हुआ, पूरे 20 ओवर्स हमने ओपोनेंट को खिलाए. उसके बाद जब बैटिंग करने की बारी आई बारिश शुरू हुई. तो सोच ये थी कि कुछ भी करके 5 ओवर खेलेंगे और ये मैच ख़त्म करेंगे. 5 ओवर में हमको चाहिए थे 40 रन. DL के थ्रू अपन वो मैच जीत सकते थे. अगर 5 ओवर में 40 रन हो जाते तो DL दे के मैच का रिजल्ट निकाल लेते कि क्या होगा. बट वो हो नहीं पाया. वो हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि फर्स्ट ओवर तो हो गया था, एक ही ओवर हम खेल पाए. सेकेंड ओवर में इतनी तेज़ बारिश हुई कि हम कंटिन्यू ही नहीं कर पाए वो मैच. तो उसके बाद ये सोचा हमने कि संडे मतलब आज के दिन हम दोबारा से शुरुआत करेंगे मैच की. दो चीज़ें होंगी, या तो सेम ग्राउंड पे कंटिन्यू करेंगे मैच, नहीं तो टर्फ ग्राउंड पे वापस जाके एक रीमैच होगा. तो आज सुबह अपडेट आया कि मैच कैंसिल हो गया क्योंकि रात को दोबारा से बारिश पड़ी थी उस एरिया में. बट जिस एरिया में हम रहते हैं, जहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ बारिश नहीं पड़ा था. बट जिस एरिया में टर्फ ग्राउंड है उस एरिया में बारिश पड़ा था, और वो बारिश पड़ने के कारण मैच
आज भी कैंसिल करना पड़ा। तो पहले तो मैंने सोचा था कि इस ये जो व्लॉग है इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगा उसके साथ, बट अब ऐसा डिसीजन मैंने लिया कि अब मैं उस साइड नहीं जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दो वीकेंड वेस्ट कर दिए हैं एक मैच कवर करने के लिए और एक क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए। पर वही मैच मैं किसी दूसरी जगह पे जाके आप लोगों के लिए कंटेंट ला सकता था, बट अब वो क्वार्टर फाइनल मैच था तो खेलना ज़रूरी था, बट समहाउ खेल नहीं पाया। तो अब उस साइड में जाने भी नहीं वाला हूँ अगर इनकेस आगे जाके वो क्वार्टर फाइनल मैच दोबारा से शेड्यूल होता। तो सोचा कि चलो इस वीडियो आपको एक और अपडेट देना था कि बैंगलोर में अभी वेदर कंडीशन ऐसा है कि मोस्टली बारिश हो ही रही है, जिसके कारण से मैं मैचेस भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोगों को ये अपडेट देना था क्योंकि बहुत टाइम से वीडियोस भी नहीं आए हैं इस चैनल पे मैच को लेके। तो आप लोग भी सोच रहे होगा क्योंकि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने शॉर्ट्स वीडियोस डाले थे जिससे मैं थोड़ा थोड़ा आपको अपडेट करता था कि यार बारिश पड़ रहा है, मैच नहीं हो पाया, बट सोचा कि चलो इसी वीडियो के साथ कंटिन्यू करके आप लोगों को बता देते हैं कि वेदर कंडीशन ऐसा है बैंगलोर में कि मैचेस नहीं हो पा रहे। मतलब जाते हैं या तो फर्स्ट इनिंग्स में ही बारिश आ जाती है या फर्स्ट इनिंग्स भी नहीं हो पाती है, सुबह ही बारिश पड़ जाती है और मैच कैंसिल हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता था, एक जस्ट अपडेट था और कैसे हमारा वीकेंड बर्बाद हुआ उसका भी अपडेट आपको दे दिया। आई होप आपको जो भी मतलब इस वीडियो में आपको कुछ एज सच इतना देखने को नहीं मिलेगा, बट आई होप आपको थोड़े जो सिनेमैटिक शॉट्स मैंने डाले हैं और जो फर्स्ट ओवर कैप्चर किया वो आपको अच्छा लगा हो। Thank you for supporting.